नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पेश श्वेता करकर। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी चिंतित, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक का हो सकता है फैसला। राजस्थान में लागू होगी कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता, सीएम अशोक गहलोत ने दिए संकेत। गोवा में सभी पार्टियों की भाजपा से सांठगांठ, टीएमसी ने फिर कांग्रेस पर उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा, एंकर छोड़कर अपने कामकाज का मूल्यांकन करे सरकार। मोहन भागवत बोले, भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू के बिना भारत और भारत के बिना हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट का नाम चीना रखने पर सवालों के घेरे में WHO, कयासों के दौर तेज। बेंगलुरु में दो दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप, विदेशी यात्रियों को लेकर राज्य सरकार ने उठाए कदम। बंगाल से बिहार तस्करी करने वाला शराब माफिया मुर्शीद आलम गिरफ्तार, हरियाणा तक फैला है जाल। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर पर फिर साधा निशाना, कहा अपना मेयर तो बचा नहीं सके, एमएलए कहां से बनेंगे। दिल्ली से 1 लाख जीरो बिजली बिल लेकर पंजाब पहुंचे केजरीवाल, चन्नी को दी चुनौती, आप भी दिखाएं। किसान आंदोलन को लेकर विजय का बड़ा बयान, आंदोलनकारियों ने हिडन एजेंडा कुछ और ही सही। प्रदेश में सक्रिय हुआ नशा माफिया, हिमाचल पुलिस ने चिट्टा की तस्करी करते पकड़े गए 6 युवक। उमर अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों की आशंकाओं को समझना होगा। परिसीमन का प्रारूप तैयार, जम्मू संभाग की 7 और सीटें पड़ेंगी। कोलकाता में पुलिस दिव्यांगों की मदद के लिए दुभाषियों की करेगी व्यवस्था। पूर्व सांसद अतीक के बेटे का लुकआउट सर्कुलर जारी, सीबीआई ने घोषित किया है 2 लाख का इनाम। ट्रेन में जनरल टिकट पर सफर करने वालों को राहत, दिल्ली के 3 एक्सप्रेस ट्रेन में 1 से मिलेगी सुविधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ने याद दिलाया, एक दल के सर्वे सर्वा कहा थे, लड़के हैं गलती हो जाती है, अब बेटी का दुपट्टा उड़ाने वाले सलाखों में है कैद। मेरठ में नगर निगम के बेकाबू ट्रक ने 2 हेड कांस्टेबल को कुचला, 1 की मौत। पीएम का काशी में होगा 3 दिनी प्रवास, भव्य समारोह में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण।
आगरा में आमंत्रण यात्रा का आयोजन कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। आगरा में चोर समझकर युवक को मारी गोली, युवक गंभीर रूप से घायल। पूर्व महापौर ने दिया विवादित बयान, पुलिसकर्मी की वर्दी हाथों में थमा दी जाएगी। फरुखाबाद में गरबा नाइट का हुआ आयोजन, लोगों ने कार्यक्रम का उठाया लुत्फ। फरुखाबाद में आरोपित ने किया आत्महत्या का प्रयास, थाने में मचा हड़कंप। फतेहपुर में शहीद स्थल में चल रही रामकथा, केंद्रीय मंत्री ने शहीद विजय पांडे को दी श्रद्धांजलि। हरदोई में सपा और सुभाषपा की संयुक्त रैली, भाजपा पर सादा जमकर निशाना। कानपुर में तेल गर्म करने के दौरान हुआ हादसा, इस हादसे में 7 मरीज झुलसे। शाहजहांपुर में बदहाली के आसार रो पड़े, प्रशासन ने लगाई गुहार। सुल्तानपुर में किसान नेता की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में की गई हत्या। बिजनौर में युवक ने समाप्त की जीवन लीला, फांसी पर लटका मिला युवक का शव। महोबा में प्रियंका ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, रैलियों में भीड़ जुटाने पर बरसी प्रियंका। रायबरेली में ट्रैक्टर से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत, खेत में जुताई कर रहे युवक की मौत। संबल में रक्तदाताओं को मिला सम्मान, एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष ने दिया सम्मान। पुलिसकर्मी की अवैध वसूली का ऑडियो हुआ वायरल, ट्रैवल एजेंसी के संचालक से सिपाही ने की महामारी की मांग, ट्रैवल एजेंसी में की तोड़फोड़। लखनऊ में एथेनॉल के टैंकर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, आग लगने से मचा हड़कंप। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया ट्वीट, विपक्षी पार्टियों पर स्वतंत्र देव सिंह ने किया हमला, बीजेपी भारी बहुमत के साथ लौटने वाली है। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल, जोरदार टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे। शाहजहांपुर में पुलिस की रेलिंग तोड़कर लटका ट्रक, करीब 20 मीटर ऊंचे ओवरब्रिज पर लटका ट्रक, बाल बाल बची ट्रक चालक की जान। अभ्यर्थियों की फोटो हो रही है वायरल, टीईटी परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों की फोटो वायरल। शामली में यूपी टेट लीक मामला, एसटीएफ मेरठ को मिली बड़ी सफलता, शामली जिले से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
में पेट्रोल पंप कर्मी की दबंगई आई सामने। बाइक सवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कम पेट्रोल देने की बात पर हुई थी कहा सुनी। वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। आगरा में विशेष सतर्कता। मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली, विधानसभा चुनाव में पिछड़े व वंचित वर्ग की होगी अहम भूमिका। अपर मुख्य सचिव ने देखी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की प्रगति। नए साल से पहले फर्राटा भरने की तैयारी। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए बढ़ाया प्रेशर। आज तीर्थपुरतों ने मनाया काला दिवस, निकाली रैली। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में धांधलियों पर सख्ती। प्रमुखों समेत 2 दर्जन से ज्यादा अफसरों पर एक्शन। देहरादून में यूपी से देहरादून लौटे 11 आईएफएस अफसर पॉजिटिव। एफआईआर ने पर्यटकों की रोकी एंट्री। हल्द्वानी में भाजपा पर बरसे कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता। सैन्य सम्मान को लेकर भाजपा पर किया वार। में शहीद सम्मान यात्रा का हुआ आयोजन। शहीदों के परिजन हुए सम्मानित। सैनिक कल्याण मंत्री ने किया सम्मानित। नैनीताल की बेटी ने बढ़ाया जिले का मान। नौसेना में बनी सब लेफ्टिनेंट। ऋषिकेश में 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति। आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। देहरादून में उत्तराखंड में रफ्तार पकड़ने लगा पर्यटन उद्योग। शीतकालीन पर्यटन की तैयारियों में जुटी सरकार। देहरादून में हवा के झोंकों से बड़ी ठिठुरन। तापमान में दर्ज हुई गिरावट। उत्तराखंड परिवहन विभाग में हुआ तबादलों पर गहराया विवाद। सीएम धामी नाराज। तलब की गई फाइल। चुनाव से पहले भी भिड़ रहे कांग्रेस के धुरंधर। किशोर उपाध्याय ने फिर हरीश रावत की तलखी पर किया पलटवार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन। सीएम धामी से लिया फीडबैक। उत्तराखंड में रफ्तार पकड़ने लगा पर्यटन उद्योग। शीतकालीन पर्यटन की तैयारियों में जुटी सरकार। उत्तराखंड में जोखिम आधारित ऑडिट की व्यवस्था लागू। ऐसा करने वाला बना पहला राज्य। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में अब नया मोड़। हाईकोर्ट ने दिया 28 नवंबर को अवकाश के दिन कराए जा रहे चुनाव पर यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों ने जुटाए 47 करोड़ रुपए। सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए होगा इस्तेमाल। ड्रैगन की नई चाल। भूटान के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन ने किया समझौता।
में कोरोना के नए वेरिएंट का जल्द पता लगाने की सजा मिल रही है। दक्षिण अफ्रीका ने दिया ये बयान। ड्रैगन के डेबिट ट्रैप में फंसे युगांडा की चुकानी पड़ी भारी कीमत। चीन का हुआ उसका इकलौता एयरपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत में दुनिया। ब्रिटेन, बेल्जियम, इजराइल, हांगकांग और जर्मनी में मिले मामले। उड़ानों पर रोक, सीमाएं हुई सील। ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया में हड़कंप। मॉडर्ना ने कहा बूस्टर डोज पर कर रहे हैं शोध। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने फलाई झोली। कर्ज के तौर पर मिलेंगे $3 अरब। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने किया आपातकाल का ऐलान। 3 दिसंबर से लागू होगी नई व्यवस्था। सिंगापुर में ड्रग्स तस्करी में 3 भारतवंशियों की फांसी बरकरार। ऊपरी अदालतों से नहीं मिली राहत। यूरोपीय संसद सदस्यों ने पाकिस्तान के खिलाफ रखी कार्रवाई की मांग। कहा आतंकवाद विश्व के लिए चिंता का विषय। नवंबर लॉन्च होने वाला है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस का आईपीओ। मौजूदा शेयरधारकों द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश है शामिल। कपड़ा और फुटवेयर महंगा होने पर देश भर में होगा आंदोलन। कल बुलाई गई बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट से क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट। बिटकॉइन ने आज दिखाई थोड़ी रिकवरी। पेटीएम का घाटा बढ़कर 474 करोड़। ब्रोकरेज फॉर्म शेयर के टारगेट घटाकर 1,240 रुपए। SBI खाता धारकों के लिए अच्छी खबर। फ्री में मिल रहा 2 लाख रुपए का फायदा। एक दिसंबर से होने जा रहे 5 बड़े बदलाव। PF का पैसा चाहिए तो UN के आधार से लिंक करना जरूरी। नॉन UPI पेमेंट वॉल्यूम 52% बढ़ा। फाइनेंशियली और अन्य आय में 3 गुना से ज्यादा का उछाल। यस बैंक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। डिश टीवी मामले में दखल से इनकार। कहा मजिस्ट्रेट कोर्ट जाए। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अब आपको फ्री में मिलेगा दुगना राशन। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर। शेयर बाजार में अफरा तफरी के बाद कच्चे तेल के दाम में गिरावट। का मजाक उड़ाने पर वसीम जाफर ने दिया जमीन ने शाम को जवाब। एम्पायर धर्मसेना पर बनाया मीम। KS भारत के लिए बिना डेब्यू विकेट कीपिंग करना बना वरदान। अगले 3 सीजन विराट कोहली वाली टीम में जगह पक्की। कुणाल पांड्या ने खराब प्रदर्शन के बाद छोड़ दी बड़ौदा की टीम की कप्तानी। बतौर खिलाड़ी खेलते रहेंगे।
गुरिंदर संधू ने भारत के खिलाफ किया था वनडे डेब्यू। ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बार हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। विकेट लेने के बाद अक्षर पटेल का बड़ा खुलासा, अपने पिता को मानते हैं जीवन का हीरो। अक्षर पटेल ने खोला अपनी सफलता का राज, व्हाइट लॉक का खिलाड़ी कहने पर भड़के। स्टीव स्मिथ के उपकप्तान बनाने के सीए पर भड़का दिग्गज, कहा धोखा तो धोखा होता है। पंजाब किंग्स से आई चौंकाने वाली खबर, 90 करोड़ रुपए के फुल बैलेंस के साथ एक ना शुरुआत करने कर कहा रहा विचार। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पोलैंड को 8-2 हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। क्रिकेट पर नए कोरोना वेरिएंट का साया, महिला वर्ल्ड कप क्वालिफायर रद्द। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका दौरा बीच में छोड़ा, घर जाने को नहीं मिली फ्लाइट। कोरोना से जूझ रहे कमल हसन ने हॉस्पिटल से होस्ट किया बिग बॉस, राम्या कृष्णन बनी टेम्परेरी होस्ट। आमिर ने सीएम रिलीज डेट चुनने पर केजीएफ चैप्टर 2 की टीम से मांगी माफी। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी 14 अप्रैल को होगी रिलीज। पीके के बाद फिर साथ नजर आएंगे आमिर खान रणबीर कपूर, पीके के सीक्वल में एक बार फिर दोनों करेंगे अभिनय। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म का टाइटल होगा ब्लडी डैडी, अली अब्बास जफर का रहेगा डायरेक्शन। बॉलीवुड पर फिर छाया कोरोना का साया, काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी हुई कोविड पॉजिटिव। विशाल ददलानी का बड़ा खुलासा, ऐश्वर्या राय ने जब एक साथ 30 लोगों को परोसा था खाना, एक्ट्रेस का ये अंदाज देख ददलानी रह गए थे हैरान। सोनू सूद के बाद धनुष ने की कोविड पीड़ित कोरियोग्राफर शिवा शंकर की आर्थिक मदद। कपिल शर्मा के सामने जॉनी लीवर की बेटी ने की फराह खान की ऐसी नकल, हंसी नहीं रोक पाए अभिषेक बच्चन। नो एंट्री में एंट्री में ट्रिपल रोल में दिखेंगे सलमान, अनिल और फरदीन तीन पत्तियों के इर्द गिर्द घूमेगी इस फिल्म की कहानी। सलमान खान के शादी ना करने पर बहनोई आयुष शर्मा बोले, मुझे लगता है उनके पास नहीं है शादी के लिए समय। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम 100। नमस्कार।